नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बागेश्वर धाम का यह पर्चा है, अगर गलत हो गया तो गुलाबी करूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:50 के उपरांत आपके जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, यह पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने लिखा है, अगर गलत हो जाए तो जीवन भर आपके गुलाम रहेंगे। बस हमारा सर कितना है कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो देखकर आप खुशी से पागल ना हो जाए तो ये शर्त हमें मंजूर है। जी हां दोस्तों, आज शाम के 4:50 के उपरांत आप सभी के जीवन का एक नया शुरुआत होने जा रहा है, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब ऐसी बदलाव आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। घर परिवार तो खुश होंगे ही साथ दुश्मन जो जलते हैं वह जल जलकर खाक हो जाएंगे। सबकी बोलती बंद होने वाली है। ऐसा खुशखबरी आपके नसीब में आने वाला है, क्योंकि साक्षात ईश्वर भी आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। आने वाली 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, जो कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी है। इन्हें सुनकर आप सभी खुशी से नाचने लग जाओगे, इस बात की फुल गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे ही शुभ घटना आप सभी के जीवन काल में पहली बार हो रहा है, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन हम आपसे भी कोई बात बता दें, यह शुभ घटना नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता, बड़ी ही नसीब वालों को ऐसा भाग्यशाली दिन देखने को मिलता है। जी हम दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यह खुशखबरी नींद और चैन दोनों उड़ा देगी, और यह हमारा बात कभी गलत नहीं होता। बस इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इन्हें अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप और रंक से राजा बनने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावट को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है, और उन रुकावटों के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई फल अब तक नहीं देखा। दोस्तों, जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है, तो थोड़ी बहुत आप मदद कर दो। तुझसे ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं, किसी ना किसी बहाने या कारण से बचाती आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती थी, तू तो कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको घिरे बैठी थीं। अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं, साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आई हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे, तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे, तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, तो समाधान बताने वाले हैं। दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, भूलकर भी इस एम इज ना करें। यह आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और दोस्त, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मां दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव से
माता को याद करते हुए जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। दोस्तों याद रखें, जिनके साथ है माता दुर्गा उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों बात। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इस षड्यंत्र अवश्य रखते रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बात है दुश्मनों की जो बाहर की है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या है जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नजदीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर किसी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि भी आपके बहुत ही खास है, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विश्व खोलकर बैठे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, पत्नी बनकर हमारी नजदीक रहते हैं। इसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप बड़ी ही संतोषी प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं, छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, अपना काम चला लिया है, किसी के सामने आपने अपना रोना कभी नहीं रोया है, लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोंट कर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। आपकी ही बात कर रहे हैं, आप भी कभी आज तक कदर हो नहीं पाई है, जैसा आप दिल से बहुत बड़ी ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसे आपको कभी इज्जत और सम्मान मिल नहीं पाया। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर के लिए कितना पाल कर बैठे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कभी कदर भूल नहीं पाई है। और आश्चर्य की बात यह है कि चीन के लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हर इंसान की शक्ति की एक सीमा होती है, फिर भी हम आपकी राशि वाले जातकों की सहन शक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाएं, उतनी ही तकलीफ हो, मैं गिर जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ा नहीं है, अपनी हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखती है और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी है भी हासिल होने जा रही है। जी हां दोस्तों आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना और खिड़की डालना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप अभी सब सही ली थी, लेकिन अपनी आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं पड़ते हैं। और दोस्त ही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है, आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं, उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं, सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों फायदा क्या है, आप अपने दिल की हर बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं, हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता, आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जो आपको कष्ट मिलता है वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफ दी है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं, आपकी सहनशीलता अपार होती है,
दोस्तों आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना भला बाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं। दोस्तों की एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। छोटे दोस्तों ये सब अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर आते रहते हैं, अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं, या यूं कहें कि सफलता से और पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई साथी लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में, बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई, अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मानकर चलते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों अब आपके मन में एक संकल्प करना है, ये बापत तला यूज नहीं होने देंगे। अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे। और दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए, हम जो बातें आपको बता रहे हैं, क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं? यदि हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताना, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो उस तो तू दोस्तों, अब हम आपसे बता दें कि अब आपको अपने मन में संकल्प करना है कि अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वह करके दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दोस्त उमरिया किंग, जानिए कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपकी ग्रहों की चाल बहुत सुंदर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है। जी हां दोस्तों है, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हराएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से छूट जाएंगे, या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देंगे। यहां दोस्तों आपका दिल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं ये बात, तो जब आप कामयाब होना शुरू होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएंगे, दुकान से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं किया, ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, आपसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करेंगे, लेकिन वह सब नकली होगा। आपको याद रखना होगा, आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंसी के। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि इस कलयुग में शनि देव न्याय के देवता कहते हैं, कर्म के देवता कहे जाते हैं, और शनि देव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनि देव अभिव्यक्ति अवस्था में है, इस वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है, शनि आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है। जी हां दोस्तों, शनि देव जिस पर कृपा करते हैं उस पर खुशियां बरसती हैं, लेकिन गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, शनि देव न्याय के देवता हैं। यदि आपने एक गलत ही भूल से भी कर दी तो शनि उसकी सजा आपको अवश्य देंगे। आपको माफी नहीं मिलेगी तो आपको फोन से भी नहीं करनी है,
कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग की तीव्रता, स्वयं शनिदेव महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया है। शनिदेव अब आपके साथ हैं, आपकी खुशियां अब आपका इंतजार कर रही हैं। जी हां दोस्तों, हैं जिन लोगों ने आपके साथ बुराइयां की है, उन्हें एक एक करके शनिदेव स्वयं दंड देंगे, भी अपने कर्मों का फल खुद ही भागेंगे। दोस्तों याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है, आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने हैं। आपकी अच्छाई आपकी सफलता की सीढ़ियां बनी। जी हां दोस्तों, जिस पर शनिदेव कृपा करते हैं, यदि मन से सच्चा और अच्छा इंसान है तो शनिदेव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक सफलता दिलाते हैं, आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधि का बड़ा से बड़ा लाभ आपको मिलता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बातें हैं, उनका विशेष ख्याल रखना होगा। अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छे रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनि देव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना देंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर आप जो चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम ना करें, जैसे किसी की ईद के पीछे बुराई या ना करें, किसी को बुरा भला ना, शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, गलत नजर से किसी को भी ना देखें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जी है तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देखा, आपकी भावनाओं की कदर भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन सनी देओल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि फंसाने जा रहे हैं। कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंक से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान पड़ने वाला है, समाज में आपकी इज्जत आपके पद पड़ने जा रहा है। अब आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे, शनि देओल आपसे पसंद बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छाया दान भी अवश्य करें। 11 हेड बिलाओ शनिवार तक आपको यह गडरिया करनी है, आया दान अवश्य करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनि देव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों के आपके काम धंधे रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष प्राप्त होंगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऊपर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कम करने में बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले, लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें। और बदले में आप किसी महिला का भूलकर भी अपमान ना करें और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर लें। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें, हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया
तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला रहे हैं, इस समय में आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, ऐसे ऐसे नाइस जोक बनेंगे, इनके बारे में आप हैं सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे, आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गति आ जाएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, तो उस तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दाम्पत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन आप गरीबों में दान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, और ना केवल शनि के बल्कि अन्य कई गांवों के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते हैं। जैसे मंगल तो शुक्र दोष वगैरह है, और दोस्तों कुछ खास बातें इसने आपको अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए, गा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाए, इससे शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार को चींटियों को आटा या मछलियों को दाना खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान करना उत्तम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता है। बुजुर्गों, असहाय और बड़ों का अनादर करने से भी शनिदेव नाराज होते हैं। इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। न्याय के देवता कभी जाने वाले शनि देव सूरत से काले हैं और ज्योतिष के अनुसार उन्हें काला पूरा, नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए जात को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।